हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर सी इनफो मेरा नाम रीता चौधरी है और आप लोगों को पता ही है कि अभी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस पे वीडियो चल रहा है तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी अदर वीडियोस आ चुके हैं तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो वहाँ से आप मेरे बाकी वीडियोज़ दे सक देख सकते हैं और इसके अलावा ये मैंने कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक ये लिस्ट दी है तो आप लोग ये भी लिस्ट देख सकते हैं और आप लोगों से बस मेरा ये कहना है कि देखिए मेरा चैनल न्यू है और अगर आप आ, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट्स करेंगे तभी मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं अदर वीडियोस बनाऊंगी ठीक है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में और आप लोगों को समझाने में तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो देर ना करते हुए आज मैं चलती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन जो कि टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में रह गया था लास्ट टॉपिक एग्जीक्यूशन तो आज वही हम फिनिश करते हैं और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जो दो तीन टॉपिक रह गए छोटे छोटे वो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगा बेडनसडे को तो मैं दो वीडियो एक साथ ला दूँगी एक तो इसके और कोई अदर टॉपिक जो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा ठीक है तो देर ना करते हो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि एग्जिनग्यूशन इन हीमोडायलिसिस आखिर एग्जिनग्यूनेशन होता क्या है तो एक्जनग्यूनेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड का लॉस हो जाए जब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाए पेशेंट की बॉडी से या ड्रेनिंग हो जाए किसी भी वजह से वो तो वो क्या कहलाता है एग्जिनग्यूनेशन ठीक है अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक तो ये होता है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड निकल गया है तो आपको जिस भी बेड पे वो सो रहा है उस पर दिखाई दे जाएगा या चेयर है तो चेयर पे दिखाई दे जाएगा या कभी फ्लोर पे भी गिर जाता है तो वो दिखाई दे जाएगा दूसरा क्या रह जाएगा कि पेशेंट जब भाई ब्लड निकल रहा है तो हाइपोटेंशन में भी जाएगा पेशेंट ठीक है इसके अलावा ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप डायलाइजर वगैरह रह या ब्लड ट्यूबिंग वगैरह पे आपकी नजर गई तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से ब्लड निकल रहा है जैसे कि डायलाइजर का कोई कैप लूज़ हुआ तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है या ब्लड ट्यूबिंग का कैप लूज ब्लड ट्यूबिंग के कप, जो कैप्स हैं वो लूज़ हुए तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है ठीक है ये ये भी आप देख सकते हैं इसके अलावा जो शॉक में भी पेशेंट जा सकता है क्योंकि हाइपोटेंशन में जाएगा ज़्यादा हाइपोटेंशन में चला गया तो शॉक में भी जा सकता है उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है सीजर्स भी आ जाते हैं कभी पेशेंट को और इसके अलावा जब पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है तो तभी क्या होता है कि जो मशीन है उसके जो वेनस प्रेशर के जो अलार्म रहते हैं वो क्या रहते हैं जो प्रेशर वाले जो अलार्म है वो फटाफट फटाफट चेंज होते रहेंगे ठीक है वो अलार्म करेगी मीन्स मशीन पेशेंट की जो बॉडी है वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है और कभी कभी क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है और पेशेंट के जो स्किन का कलर है वो पेल येलो हीश कलर का हो जाता है ठीक है इसके अलावा वीक पल्स हो जाएगी मतलब पल्स बहुत कम फील होगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ऐसे खींच के मतलब सांस आएगी और पेशेंट को चक्कर भी आ जाते हैं और कभी कभी उसको बहुत नींद भी आती है मोस्ट प्रोबली नींद आती है और चक्कर आते हैं पेशेंट को अब काज़ क्या होते हैं देखिए कोज़ेस बहुत सारे होते हैं यदि कभी कभी देखें कि हम लोग डायलिसिस लगाते हैं और नहीं ध्यान रहा अगर लूज कनेक्शन रह गया ब्लड लाइंस का जो ट्यूबिंग होती है अगर फिस्टुला निडल और ट्यूबिंग के कनेक्शन के बीच में जो कैप हम लोग लगाते हैं अगर वहाँ का कनेक्शन लूज हुआ या अदर कहीं पे भी दोनों के बीच में जो कनेक्शन है आर्टीरियल uh, लाइन और विनस लाइन के बीच के कनेक्शन में कहीं लूज हो गया तो भी ऐसा हो सकता है ट्यूबिंग में जो साइड लाइंस लगी होती हैं जहाँ से हिपेरिन वगैरह और भी हम विनस पेरेसर वगैरह जहाँ से देते हैं अगर उन वहाँ से कोई क्लैम्प खुला हुआ है तो भी ब्लड लॉस हो सकता है इसके अलावा जो डायलजर होता है उसके डायलजर के ऊपर जो आ, कैप लगे होते हैं आर्टीरियल साइड पे और विनस साइड पे अगर वो कनेक्शन मतलब लूज़ है तो भी हो जाएगा या जो ट्यूबिंग कैप्स के पास लगी होती है अगर उन दोनों का कनेक्शन भी लूज है तो भी ब्लड लॉस हो सकता है इसके अलावा डायलजर के अंदर जो ओरियो रिंग होती है जो गोल गोल वाली वाइट वाइट कलर की अगर वो मिस हो जाए किसी भी वजह से ठीक है जैसे कि डाइल वॉशिंग करते हुए नहीं ध्यान रहा और वो कैप आ, कैप क्लीन किया और वो निकल गया रिंग निकल गई तो भी ब्लड लॉस होने के चांस होते हैं अगर डायलेजर की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो भी ब्लड लॉस होगा इसके अलावा क्या रह सकता है जो पॉट लगे होते हैं जो डायलिसिस के पॉट लगे होते हैं अगर वहाँ पे कनेक्शन अगर वो वो कनेक्शन लूज है तो वहाँ से भी ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है और जो डायलेजर का कई सम टाइम देखा जाता है कि जो तो डायलाइजर के जो कैजिंग है ना मतलब जो डायलाइजर आप देखते हैं बाहर की तरफ और अंदर वो फाइबर बने होते हैं तो अगर बाहर वाला वो कहीं से रक्चर हो मतलब कैजिंग मतलब टूटा हुआ हो तो भी ब्लड लॉस होगा इसके अलावा निडल जो लगी हुई है पेशेंट को ठीक है अगर वो निडल मिसप्लेस हो जाए अपनी जगह से या अदर कहीं पे भी हट जाए अपनी जगह से तो भी ब्लड लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं अगर जैसे कि किसी वजह से अगर ब्लड ट्यूबिंग जो है वो सेपरेट हो जाए मतलब दोनों सेपरेट हो जाए या फिर जहाँ से निडल से जहाँ से कनेक्शन है वहाँ से सेपरेट हो जाए तो भी ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डायलाइजर की जो मेम्ब्रेन होती है एक तो डायलाजर रप्चर हुआ एक क्या हुआ डायलाजर की मेम्ब्रेन जो फाइबर बंडल है अगर वो रप वो भी अगर वहाँ वो भी फटी कुटी है तो भी क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके आ, ब्लीडिंग के इसके अलावा जो एक्सिस पॉइंट होता है जहाँ निडल वगैरह लगती है अगर वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई पहले से ही घाव हो रखा है निडल लगाई तो प्रेशर की वजह से वो फट जाए तो भी ब्लड लॉस होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं अब इसका ट्रीटमेंट किया अगर आप देखते हैं कि हाँ भाई किसी के इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो सिंपल सी आप बिना कुछ सोचे पहले उसको सैलाइन दे दो इसके बाद आप उसको जो ब्लड लॉस है उसको देखो कि हाँ भाई कहाँ से किस वजह से ये ब्लड लॉस हो रहा है और उसके वाइटल्स जो साइन है उनको ज़रूर मेज़र करो ठीक है हमें मतलब जो बीपी ठीक है मतलब मॉनिटर करिए जो उसके वाइटल साइन है जैसे बीपी पी वगैरह और पल्स वगैरह ये सब आप मॉनिटर करिए और आपको लग रहा है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पेशेंट को ऑक्सीजन भी दीजिए और ज़्यादा दिक्कत है तो तुरंत के तुरंत हीमोडायलिसिस को स्टॉप करिए ब्लड को रिटर्न करिए अगर कंटामिनेटेड नहीं हो हु, हुआ है किसी वजह से या अगर कंटामिनेटेड है तो नहीं अगर कंटामिनेटेड नहीं है तो जितना पॉसिबल हो सके ब्लड को रिटर्न कर दीजिए और अगर एक्सरसाइज से ब्लीडिंग हो रही है तो आप डायलिसिस को स्टॉप करके वहाँ पर प्रेस करिएसरसाइड पर जिससे कि ब्लड रुक जाए ठीक है इसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि आ, ये जब आपको दोबारा डायलिसिस तभी स्टार्ट करनी है पेशेंट की जबकि उसका जो भी ग्राफ्ट है या फिस्टुला है उसका ब्लड रुक जाए अगर नहीं रुका है तो आप डायलिसिस स्टार्ट नहीं करेंगे और आप डॉक्टर को जो भी वहाँ पे डॉक्टर है उसको आप बताएंगे और आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिपोर्ट भी सब सबमिट करनी पड़ेगी अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती है तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी डायलिसिस स्टार्ट करें तो ये आपकी पहली ड्यूटी बनती है स्टाफ की कि वो डायलेजर को एक बार चेक करें ओरियोरिंग डायलर में जो ओरियोरिंग होती है उनको चेक करें ठीक है जितने भी डिटेक्टर हैं मशीन वगैरह के वो सब चेक करें कि भाई ये सारे डिटेक्टर ठीक हैं या नहीं हैं या अलार्म्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं मशीन के ये सब इसके अलावा Uh, जब आप डायलिसिस लगा दे लगा दिया है उसके बाद आप ब्लड ट्यूबिंग के जो कनेक्शन है वो सारे चेक करें क्लैम्स चेक करें ब्लड ट्यूबिंग के और डायलाइजर को ऊपर से पोर्टल और जो उसके डायलाइजर पोर्ट होते हैं उनको भी चेक करें कि कहीं वो कहीं से लूज तो कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अगर वो भी लूज कनेक्ट होंगे या डायलाइजर जो डायलाइजर अगर कहीं से रपचर होगा या ओरियो रिंग मिस होगी डायलाइजर में तो भी मतलब ब्लड ट्यूबिंग वो सॉरी ब्लड लॉस होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो ये पूरी स्टाफ की ड्यूटी बनती है कि जब डायलिसिस स्टार्ट करें तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो हम डाय जो एक्ज्यूनेशन वाली जो कंडीशन है उससे पेशेंट को बचा सकते हैं तो यही मेरा वीडियो था अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू